हमारी जैसी संगति होती है हमारा व्यवहार वैसा ही होता चला जाता है। शेर का बच्चा अगर भेड़िए के साथ है तो भेड़िए कैसा व्यवहार करने लगता है, वैसे ही हम अगर कमजोर लोगों के साथ है तो हमारी मेंटालिटी भी कमजोर होती चली जाती है। हम अगर मजबूत लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी मेंटालिटी मजबूत होती चली जाती है। तो डिसाइड अब आपको करना है कि आपको लाइफ में कमजोर रहना है या फिर अपने हिसाब से मेंटालिटी को मजबूत करके एक स्ट्रांग ह्यूमन, एक स्ट्रांग इंसान बनना है। छोटी छोटी चीजें रहती है जो हमको समाज से, दुनिया से डिफरेंशिएट क्रिएट करती है। नहीं तो दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं, कौन किसको जानता है। बस जिसके अंदर वो पावर आती है, जिसके अंदर वो मेंटालिटी आती है, बस उसी व्यक्ति को लोग पहचान पाते हैं। तो कोशिश करो कि अपनी एक ऐसी पहचान होनी चाहिए, अपनी एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने सर्कल में, अपने एरिया में तो एक वैल्यू हो। क्योंकि हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हमारी वैल्यू दूसरा कोई करे। अरे नहीं करेगा आपका कोई वैल्यू जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते। तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी और तब आपकी वैल्यू कर पाएंगे लोग। क्योंकि हम अगर अपने लाइफ की बागडोर किसी और के हाथ में दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से ही ना चाहेगा। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखनी है या दूसरों को देनी है। दोस्तों अगर आप इस कहानी को रिलेट कर पाए तो सोचिएगा जरूर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे इस चैनल पर आकर मेरा साथ देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।